साथियों, अध्यापक संवर्ग के लिए बड़ी खबर। जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर अध्यापक संवर्ग के छठे वेतनमान का निर्धारण और सातवें वेतनमान के निर्धारण की बड़ी कार्रवाई चल रही है। इनके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। लोक शिक्षण सचिवालय ने निर्देशित किया है कि इनके अधूरे कार्य 13 सितंबर तक पूर्ण करना है, नहीं तो 17 सितंबर से कार्रवाई के लिए तैयार रहें। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है। शाजापुर जिले ने शासकीय सेवकों के 100% वेतन निर्धारण पत्रक पारित करवाकर पालन प्रतिवेदन से अवगत कराया है। आपको शाजापुर जिले में कितना कार्य हुआ है इसके बारे में अब आगे वीडियो में दिखाया जाएगा। आपके मोबाइल के स्क्रीन पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला शाजापुर का पालन प्रतिवेदन है। इसमें दे रखा है समय सीमा 13 सितंबर 2019, छठे वेतनमान का निर्धारण, सातवें वेतनमान का निर्धारण 13 सितंबर तक करना अनिवार्य है। विषय देख लेते हैं। शासकीय सेवकों के 100% वेतन निर्धारण पत्रक पारित करवाकर पालन प्रतिवेदन से अवगत कराने बाबत देख लेते हैं। यह हमारे सामने इसका आदेश है। इस क्रम में दिनांक 9 सितंबर 2019 को प्रातः 11 बजे तक की गई समीक्षा अनुसार जिले में वेतनमान पुनरीक्षण नियम 2017 के तहत विकासखंड कार्यालय से प्राप्त टेलीफोनिक जानकारी अनुसार प्रकरणों के अनुमोदन की स्थिति निम्नवत थी। अध्यापक राज्य शैक्षणिक संवर्ग के लोक सेवकों के छठे वेतन निर्धारण का प्रगति पत्रक विकासखंड शाजापुर, बड़ौदिया, सुजालपुर, कालापीपल, कुल कार्यरत है शाजापुर में 776, जिसमें से पारित किया गया 723 का, जो पारित से शेष बचे हैं जिला पंचायत में 0 हैं, संकुल स्तर पर 53 और कुल योग हो गए 53। बड़ौदिया के कुल कार्यरत 688, जिसमें पारित हो गए 658 के, पारित से शेष बचे हुए जिला स्तर पर 0, संकुल स्तर पर 30 और योग हो गए 30। सुजालपुर कुल कार्यरत 591, पारित 490, जिला पंचायत में प्रस्तुत 0, संकुल स्तर पर 101 और योग 101, ये जो पारित से शेष बचे हुए जानकारी है। कालापीपल में कुल कार्यरत 621, पारित करवाया गया 412 और जिला पंचायत में प्रस्तुत 0, संकुल स्तर पर 209 और योग 209। टोटल देख लेते हैं। योग है 2676, जिसमें से पारित किया गया 2283 का, जिला स्तर पर प्रस्तुत, पारित से शेष बचे हुए 0, संकुल स्तर पर 393 और योग हो गया 393। दिनांक 9 सितंबर 2019 को समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में उक्त प्रगति पत्र का अवलोकन कराए जाने के उपरांत कलेक्टर महोदय द्वारा शेष प्रकरणों का अनुमोदन अनिवार्य दिनांक 13 सितंबर 2019 तक कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं, एवं दिनांक 16 सितंबर 2019 को TL बैठक में जो प्रकरण अनुमोदन से शेष रह जाते हैं, ऐसे प्रकरणों में जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए उनके विरुद्ध सीधे कार्रवाई का प्रस्ताव दिनांक 17 सितंबर 2019 को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अतएव आप तालिका में वर्णित प्रकरणों की एक बार पुनः से समीक्षा कर लें, एवं जो प्रकरण अनुमोदन से शेष रह गए उनका अनुमोदन दिनांक 13 सितंबर 2019 को अपराह 3 बजे तक कराकर पालन प्रतिवेदन दिनांक 13 सितंबर 2019 को अपराह 5 बजे के पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। दिनांक 13 सितंबर 2019 को अपराह 5 बजे तक पालन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। अतएव समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। जिला शिक्षा अधिकारी जिला शाजापुर मध्य प्रदेश और शाजापुर दिनांक 9 सितंबर 2019, ये देख लीजिए, ये आपके सामने दे रखा है। नंबर 8 वाला देख लेते हैं। जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र शाजापुर की ओर से भेजकर लेख है कि आप आपके अधीनस्थ अमले में लोक सेवकों के 100% वेतन का निर्धारण भी विहित समय सीमा में करवाना सुनिश्चित करें। नंबर 9, संकुलु प्राचार्य समस्त जिला शाजापुर की ओर से उपयुक्त अनुसार पालनरत भेज कर लेख है कि आप समावधि में समस्त प्रकरणों का अनुमोदन करवाकर एक्साइज जानकारी विकासखंड कार्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि संकलित जानकारी जिला पर प्राप्त हो सके, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जावे। यह है जिला शिक्षा अधिकारी जिला शाजापुर की जानकारी। अब जो जानकारी बताई जा रही है, नियमित शासकीय सेवकों के सातवें वेतनमान निर्धारण का प्रगति पत्रक, ये भी शाजापुर, बड़ौदिया, सुजालपुर, कालापीपल, कुल कार्यरत बता रखे हैं 556, पारित हुआ 422 का, बड़ौदिया में 187, पारित हुआ 108, सुजालपुर 367 कार्यरत, पारित 300 के, कालापीपल 192 और पारित 148। यहाँ पर शाजापुर में कुल कार्यरत 1302 और पारित हुआ 978 का, और ये जो पारित से शेष बचे हुए हैं
योग बता रखा है 324। दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए व अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ऐसे तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन जो साथी ये वीडियो और ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे इस चैनल के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे और जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उन्हें देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।